सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वेबिनार को संबोधित किया। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले आज बजट का वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी का लुकआउट नोटिस विजिलेंस ने जारी किया, अब विदेश नहीं जा पाएंगे चन्नी, बोले मैंने अपनी टिकट कैंसिल की। स्वाति मालीवाल ने पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप, कहा मेरी चोटी पकड़कर दीवार से टकरा देते थे, कई रातें बिस्तर के नीचे बिताई। बीजेपी येदियुरप्पा को एमजीआर जैसा आइकन बनाएगी, कर्नाटक के स्कूलों में पूर्व सीएम की जीवनी पढ़ाई जाएगी। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बोले केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, बोले न्याय प्रणाली को यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत है कि सभी को समय पर और प्रभावी न्याय मिले। राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, बोली आप विदेशों में बैठकर कहते हो कि हमें संसद से बोलने का अवसर नहीं मिलता है। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को बनाया राज्यसभा में पार्टी का उपनेता, रजनी पाटिल को भी बड़ी जिम्मेदारी। सीआईएसएफ की 54वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए अमित शाह, का मुझे विश्वास है आने वाले समय की सभी चुनौतियों को सीआईएसएफ पार करेगी। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, बोले डर और नफरत की राजनीति नई नहीं है, वे 22-24 करोड़ मुसलमानों का क्या करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम एमके स्टालिन का बड़ा बयान, बोले इंदिरा गांधी ने डीएमके से कहा था आपातकाल का विरोध मत करो। शरद पवार के करीबी हसन मुशरिफ के घर ईडी ने फिर मारा छापा, चीनी मिल खरीद में घोटाले का है आरोप। जेल से मनीष सिसोदिया का मैसेज लिखा, साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। तृणमूल सरकार के मंत्री पार्थ भौमिक ने शुभेंदु पर लगाया आरोप, कहा शुभेंदु ने जेल भेजने की दी धमकी। चौबीस मार्च को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, 2000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही भाजपा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया जवाब। संजय निषाद का बड़ा बयान, बोले यूपी में एक आदमी तो है जिसे शादी लायक समझा, कुछ नहीं था तो शादी क्यों की। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर किया वार, बोले ईडी का मतलब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, आपको इन परीक्षा में गुजरना ही होगा।
यूपी में 8 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, पीयूष मौर्या बने लखनऊ जोन के एडीजी, प्रवीण कुमार अयोध्या रेंज के आईजी बने। रंगनाथ मंदिर का ब्रह्मा उत्सव, तीसरे दिन गरुड़ वाहन पर विराजमान हुए भगवान रंगनाथ, भक्तों ने मनाई रंगोली। कानपुर देहात में शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग, 5 की जलकर मौत, दादा बोले 5 मिनट में मेरा परिवार खत्म हो गया। कैब चालक की चाकू से गोद कर हत्या, लखनऊ में 4 दिन पहले बुकिंग पर ले गए थे आरोपी, लॉ स्टूडेंट समेत 2 गिरफ्तार। ₹50 लाख की चरस के साथ 2 अरेस्ट, बिहार से यूपी में खपाई जा रही चरस की खेप, अकाउंट में पैसा डालने के बाद मिलती है डिलीवरी। नोएडा में 10 महीने में 2.24 लाख का चालान, 200 से ज्यादा केस सॉल्व करने में मिली सहायता, सीसीटीवी बनी मददगार। चंदौली की जीआरपी टीम ने जब्त किया 1.5 करोड़ कैश, इनकम टैक्स की टीम पूछताछ में जुटी, चीनी टोकन बरामद। हरदोई में एसआई का सीओ पर गंभीर आरोप, कहा होली पर गाना गाने पर किया निलंबित, सिख हूं तो खालिस्तानी समझते हैं। रायबरेली में खेत में मिला 16 वर्षीय किशोर का शव, कल रात घर में हुई थी चोरी, हत्या आत्महत्या को सुलझाने में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में ड्रम विक्रेता की संदिग्ध हालात में मौत, घर में ड्रम के पीछे मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नोएडा में चलती कार में लगी आग, चालक ने किसी तरह बचाई अपनी जान, 2 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। गाजीपुर में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 2 इनामी बदमाश घायल, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत था युवक। आजमगढ़ में बारात में चली चाकू, 2 अरेस्ट, लड़की को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस बोली पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट। औरैया में दबंगों ने सरे शाम बाजार में की फायरिंग, दुकानदार से मामूली बात पर हुआ था विवाद, फायरिंग में 3 लोग घायल। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 5 बदमाश गिरफ्तार, 2 बाइक समेत 5 तमंचे बरामद। फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लगी, आग लगने से हुआ काफी नुकसान। बिजनौर में ठगी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, पुलिस ने महिला सहित 4 को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। अंबेडकर नगर में वन प्रोडक्ट को लेकर डीएम ने बुनकरों से की बात, डीएम ने बुनकरों को दिया समाधान का आश्वासन। कोटा में मामूली सी बात को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में 3 लोगों को आई गंभीर चोटें, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज।
हमीरपुर में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने दो चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। कन्नौज में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। लाइन के किनारे पैदल स्टेशन जा रहा था युवक। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर बेहोश मिला किसान। जेब से निकला विषैला पदार्थ। युवक मेडिकल में एडमिट। हरदोई में बस खाई में पलटने से आधा दर्जन घायल। बारातियों को लेकर जाते वक्त हुआ हादसा। बाइक सवारों को भी रौंदा। कानपुर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। गुजैनी हाईवे पर हुआ हादसा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। जल्द बांटे जा सकते हैं दायित्व। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। मृतक कर्जदारों के परिजनों को राहत। ब्याज माफ करेगी सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी। ज्वलंत मुद्दों पर की चर्चा। उत्तराखंड में पुलिस ही करेगी बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज की जांच। लापरवाही पर हटाए गए 3 पुलिसकर्मी। उत्तराखंड में बेरोजगारी से तंग आकर फंदे पर झूला यूपी का युवक। 1.5 महीने पहले सिडकुल से छुट्टी थी नौकरी। उत्तराखंड में खत्म होगी जाम की जड़। 100 बीघा जमीन पर एमडीडीए बनाएगा नया आढ़त बाजार। पटेल नगर में होगा शिफ्ट। उत्तराखंड में बढ़ती आग की घटनाओं के साथ ही फायर वॉचर की तैनाती शुरू। अब तक सामने आ चुकी 75 घटनाएं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से आया भारी मलबा। कई घंटों से आवाजाही बंद। देहरादून में घर में घुसकर वृद्धा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने किया खुलासा। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास सेना का वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। हादसे में एक जवान की मौत। इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी। ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह। उत्तराखंड में बजट सत्र से पहले गैरसैंण में गरजेगी कांग्रेस। सदन के भीतर घेरने की रणनीति के तहत तमाम मुद्दों पर आवाज करेगी बुलंद। नंदा गौरा योजना में फर्जीवाड़े पर मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश। इनके खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। उत्तराखंड में निजी मेडिकल कॉलेज देंगे यात्रा में सहयोग। बद्री केदार यात्रा का बेस कैंप होगा श्रीनगर। उत्तराखंड में निजी अस्पताल में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। 243 मरीजों के इलाज पर किया 50 लाख रुपए का क्लेम। थाईलैंड में बढ़ा एयर पॉल्यूशन का खतरा। 1 हफ्ते में 2 लाख लोग अस्पताल में भर्ती। घरों से ना निकलने पर N95 मास्क पहनने की सलाह।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश, बाढ़ से तबाही, नदी का बांध टूटा, हजारों लोगों को बचाया गया। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटापास के गांव, सड़कों पर फैला धुआं और राख। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल का बड़ा दावा, बोले पाक की फाइनेंस मिनिस्ट्री पर आईएमएफ को नहीं है भरोसा। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा अमेरिका यूक्रेनी बायोलैब को फंड देकर बनवा रहा जहरीले हथियार। यूक्रेन भेज रहा शराबियों की जब्त गाड़ियां, कहा वहां से बेहतर हाथों में होंगी, सेना को सामान भेजने में की जाएगी इस्तेमाल। पाकिस्तान यूएन में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पा रहा, विदेश मंत्री भुट्टो बोले इसके पीछे भारत की डिप्लोमेसी। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने पर इजराइल के पीएम चिंतित, बोले टेक उद्योग के लिए बड़ा संकट। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़, पुलिस ने कहा वर्क डाउन सुरक्षित नहीं है, लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा। सात साल बाद फिर साथ आए सऊदी, ईरान, चीन ने कराई दोस्ती, कहा जो अमेरिका नहीं कर सका वो हम कर रहे। दिवालिया बैंक को खरीदेंगे एलन मस्क, ट्वीट करके सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने की इच्छा जाहिर की। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बंद, लगातार घाटे और फंडिंग ना मिलने से शेयर 60% गिरे। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ी गिरावट, सोना 56,000 और चांदी 62,000 के नीचे आई। एलआईसी के नए चेयरमैन होंगे सिद्धार्थ मोहंती, सरकार ने एमआर कुमार को तीसरा एक्सटेंशन नहीं दिया, सिद्धार्थ अभी कंपनी में एमडी हैं। अंबुजा सीमेंट में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में अडानी, हिस्सेदारी बेचकर 3,700 करोड़ रुपए जुटाएगा अडानी ग्रुप। सिलिकॉन वैली बैंक मामले में बड़ा खुलासा, सीईओ ने संकट से पहले बेचे थे $36 लाख के शेयर। एप्पल का बड़ा कदम, भारत में दे सकती है 3 लाख नए रोजगार, कंपनी का रिटेल स्टोर पर रहेगा जोर। एयर इंडिया को डीजीसीए की मिली मंजूरी, अब एक पायलट उड़ा सकेगा 2 अलग-अलग तरह के विमान। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व कर्मचारी का बड़ा दावा, माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी पूरी टीम को नौकरी से निकाला। सिलिकॉन वैली बैंक के 2 दिन में डूबे $100 अरब कर्मचारियों को मिला 1.5 गुना वेतन ऑफर। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 257 रन की जरूरत, मैथ्यूज और चांदी मल के बीच 105 रन की पार्टनरशिप। पीएसएल में टूटा सीएसए टी20 का रिकॉर्ड, 40 ओवर में बने 515 रन, अफरीदी की हैट्रिक से मचा मोहम्मद रिजवान की टीम का रिकॉर्ड।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानिया मिर्जा को बताया देश का गौरव। टेनिस स्टार बोली भारत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उस्मान खान ने लगाया पाकिस्तान सुपर लीग इतिहास का सबसे तेज शतक। 24 घंटे के अंदर ही तोड़ दिया रिली रोसो का रिकॉर्ड। विराट कोहली ने अपने नाम किया बड़ा रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने दूसरे बैट्समैन। WPL में 10 विकेट से जीती दिल्ली कैपिटल्स। 7.1 ओवर में हासिल किया 106 का टारगेट। शेफाली की 50 कैप को 5 विकेट। साउथ अफ्रीका 284 रन में जीता वेस्टइंडीज को 106 रन पर ऑल आउट किया। सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप। मुंबई इंडियंस को लगा दूसरा झटका। बुमराह के बाद आईपीएल से बाहर हुए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जय रिचर्डसन। घरेलू मैदान पर शुभमन का पहला टेस्ट शतक। युवराज बोले हर सिचुएशन में बैटिंग कर सकता है गिल। क्राइस्टचर्च टेस्ट में कीवियो की वापसी। पहली पारी में 373 रन बनाए मिचेल ने जड़ा शतक। माधुरी दीक्षित की मां स्नेहलता दीक्षित का निधन। 91 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। श्रुति हसन ने शेयर किया वर्कआउट। एक्ट्रेस फॉलो करती हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। बॉयफ्रेंड शांतनु साथ करते हैं वर्कआउट। नहीं रहे मशहूर हॉलीवुड रैपर कोस्टा टिच। परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर हुई मौत। सामने आया मौत से पहले का वीडियो। शादी के बाद पहली बार रैंप पर दिखी आथिया शेट्टी। पर्पल आउटफिट में दिखी खूबसूरत। केएल राहुल ने किया रिएक्ट। कपिल शर्मा ने किया बड़ा खुलासा। बोले आते थे आत्महत्या के ख्याल लगा अब सब खत्म। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी कल। भारत के 3 नॉमिनेशन ट्रॉफी जीत कर भी उस पर एक्टर का मालिकाना हक नहीं। ना एनटीआर ना रामचरण ऑस्कर 2023 में नाटू नाटू पर डांस करेंगी झलक दिखला जा फेम लॉरेन गोटलिव। रॉकेट बॉयज 2 की स्क्रीन में पहुंचे ऋतिक। सबा करली बाल वाइट ड्रेस में आई नजर। वीडियो देख यूजर्स बोले कंगना की कॉपी। अल्लू अर्जुन करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। प्रभास को पीछे छोड़ बने हाईएस्ट पेड तेलुगु एक्टर। एक फिल्म की फीस होगी 125 करोड़। महिला का दावा 15 करोड़ के लिए हुई सतीश कौशिक की हत्या। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अभी के लिए प्राइम शतक में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।